पहले रुक्मणी जी ठाकुर जी का वर्णन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोदज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि हरि ओम स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदा स्वस्तिन सारथो हरिः स्वस्तिन बृहस्पतिर्दधातुः। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो।
श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसीलिए श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िये भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से कलियुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। पहले रुक्मिणी जी ठाकुर जी का वर्णन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोदय मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो व्रत सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वमेधा स्वस्ति न सारिको हरिश्चंद्रेहि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातुः। बोलो रुक्मिणी मंगल भगवान की, बोलो रुक्मिणी मंगल भगवान की। भागवत में कहा गया है कि बहुत से शास्त्र सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। भोग और मुक्ति के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। हजारों अश्वमेध इस कथा का अंश मात्र भी नहीं है। फल की दृष्टि से भागवत की समानता गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकते। यही कारण है श्रीमद् भागवत कथा का जहाँ भी पठन और श्रवण होता है, वहाँ भक्तजन स्वतः ही खींचे चले आते हैं। हिसार के सूर्यनगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित विजेंद्र ने बड़े ही मनमोहक भाव से कथा वाचन किया, जिसमें श्रद्धालु झूमते नजर आए। Thank you.